गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रॉनिक्स की इस क्लास में हम फिल्टर एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर हमने बेसिक टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल के फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर की बेसिक सर्किट्स, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करी। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इन रेक्टिफायर के साथ था वो ये है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो पल्सेटिंग डीसी है। हमने फोरियर एनालिसिस में भी देखा, इसके अंदर डीसी कंपोनेंट के साथ एसी कंपोनेंट है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का। अब हमारा बेसिक एम है कि ये जो पल्सेटिंग डीसी है ये स्मूथ हो जाए, हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है। अगर ये ऑलमोस्ट हमारा आइडियल डीसी तो ये मीन वैल्यू भी कॉन्स्टेंट हो, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट। तो अगर हमारे पल्सेटिंग डीसी इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाए, ऑलमोस्ट इसमें कैसे आ जाए, इसके लिए हम कुछ फिल्टर सर्किट्स को काम में लेंगे। यह बड़ी साधारण सी बात है, केमिस्ट्री में भी आप फिल्टर्स की बात करते हैं और दैनिक जीवन में भी फिल्टर की बात करते हैं। जहां भी कोई इम्प्योरिटीज होती है उनको हटाने के लिए हम फिल्टर्स काम में लेते हैं और फिल्टर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जस्ट रूटीन में बात करें, हमारे लिए जो एसी है इसके अंदर जो एसी कंपोनेंट है वो हमारे लिए एक तरह की इम्प्योरिटीज अशुद्धि है। सामान्य जीवन में आप देखें पानी के अंदर अशुद्धि होती है, पानी हमारे घर में आता है, हम पीने के पानी काम में लेते हैं, मान लीजिए जो भी सप्लाई आ रही है उसको प्योरीफाई करना है। हम अपने अलग अलग स्टेज से प्योरीफाई कर सकते हैं। कुछ जने सिंपल का जो कपड़ा उसे छान लेते हैं वो भी अपने आप में एक सिंगल स्टेज प्योरिफिकेशन। कुछ जने उसकी जगह चलनी टाइप की काम में लेते हैं, वो भी अपना सिंगल स्टेज में दूसरे तरह का फिल्ट्रेशन है। कुछ जगह फिल्टर की फॉर्म में सिल्वर यूज कर लेते हैं, कोई कार्बन यूज कर लेता है। आपने देखा बाजार में अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स आते हैं, आरओ आते हैं। हर स्टेज अलग अलग है। और अगर मान लीजिए लेबोरेटरी में काम में लेना है तो हम फिर डिस्टिलेशन भी करते हैं तो उसका एक डिफरेंट प्लान होता है। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, आप देखिए हम नहाने के अंदर काम में लेते हैं तो साधारण तक कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जो बीसलपुर से सप्लाई आ रही है उसको यूज कर लेते हैं, वो अपने लेवल पे एक बार क्लोरिनाइजेशन होके फिल्टर हो चुका है। मीन्स एलिमेंट्री कुछ फिल्ट्रेशन के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए हम किसी तरह के फिल्टर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उसी का मेडिकल साइंस में या इंडस्ट्रियल यूज आ रहा है या कहीं, तो हो सकता है उसका फिल्ट्रेशन बहुत प्रिसाइज हो। तो हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी, अब अगर मैं रेक्टिफायर में बात करूं तो हमारा टारगेट ये है कि इसके रिपल फैक्टर को जितना रिड्यूस करेंगे उतना बेटर रहेगा। हमारे यूज के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। आज अगर फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर की बात करें 0.48 है। हो सकता है पुराने ट्रांजिस्टर जो आया करते थे रेडियो में सीधा यूज करते हैं, थोड़ी हमिंग आती है काम में ले लेते हैं, लेकिन जितनी प्रिसाइज आपकी डिवाइस होगी इसका रिपल उतना ही कम होना चाहिए। कुछ ऐसी डिवाइस है जो 0.2-0.3 के रिपल पे भी ठीक ठाक चल जाती है, लेकिन अगर 0.2-0.3 के रिपल का इनपुट अगर हमने कंप्यूटर को दे दिया तो उसका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी की जगह हमारे पास मोबाइल चार्जर है, नॉर्मली मोबाइल चार्जर मोबाइल की लाइफ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसका रिपल फैक्टर 0.1 से जितना लेस होगा वो उतना बेटर है। तो अलग अलग डिवाइसेस हैं अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है कि रिपल को डिक्रीज करना है। अब रिपल को डिक्रीज कैसे करें, इसके लिए मैंने बताया फिल्टर करना अशुद्धि हटानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिल्टर के दो ही एलिमेंट माने जाते हैं, वन इज कैपेसिटर, सेकेंड इज इंडक्टर। पहला है संधारित्र, दूसरा है हमारा प्रेरक। अब ये किस बेस पे फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं, तो देखिए जो प्रेरक है वो अपने आप में डीसी के लिए इसकी रिएक्टेंस जीरो होती है। आपको पता है कि प्रेरक में डीसी आसानी से पास हो सकता है, यानी इंडक्टर से डीसी इजीली फ्लो कर जाएगी, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन एसी के लिए ओमेगा एल इसकी रिएक्टेंस होगी, ये रिएक्टेंस हो गई ओमेगा एल। ओमेगा एल अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एसी को रोकेगा और डीसी को पास होने देगा। तो अगर हम इंडक्टर को यूज करना चाहते हैं तो हम अगर जो भी फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आ रहा है उसके लोड के पहले सीरीज में अगर हम प्रेरक को लगाते हैं, इसलिए सीरीज में लगेगा, ये प्रेरक हरदम सीरीज में लगेगा। रिमेम्बर कि हरदम श्रेणी क्रम में लगना है, सीरीज में लगना है, तो ये उसके रिपल को रिड्यूस
यूज कर देगा क्योंकि ये एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी पास हो जाएगी, तो जब एसी कम हो जाएगी तो रिपल फैक्टर अपने आप कम हो जाएगा और हमारा आउटपुट कंपैरेटिवली स्मूथ होगा। दूसरा एलिमेंट आता है संगारित्र। संगारित्र मीन्स कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली एसी के लिए 1/ωC की रिएक्टेंस देता है, लेकिन ध्यान रखिए डीसी के लिए इसकी रिएक्टेंस इंफिनिटी होती है, यानी कैपेसिटर एक बार चार्ज होने के बाद डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी लगातार उसमें जा सकती है। तो बेसिकली ये एसी में लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो अगर हमारा ऐसा सर्किट हो जिसके अंदर लोड एसी को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और अगर कैपेसिटर उसके पैरेलल में लगा दें, ध्यान दीजिएगा ये पैरेलल में ही लगेगा, समांतर क्रम में। तो अगर हमने इसे समांतर क्रम में लगा दिया तो एसी का मेजर पोर्शन अगर इससे बाईपास हो जाए तो लोड पे हमारे को केवल डीसी मिलेगी, क्योंकि बाईपास जो हो रहा है उससे डीसी कंपोनेंट बहुत कम जाने वाला है। तो इसलिए इसकी यूटिलिटी ये मान सकते हैं कि इसका यूज डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एसी को डिक्रीज करने के काम आ रहा है और डीसी को इंक्रीज करने के काम आ रहा है। ये हमारे फिल्टर के बेसिक एलिमेंट्स हैं। हमारे स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा प्योरली इंडक्टर काम में ले लें, प्योरली कैपेसिटर काम में ले लें, इनका कॉम्बिनेशन ले लें। हमें जिस लेवल का फिल्ट्रेशन चाहिए हम उसमें काम में लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज इंडक्टर, सबसे सिंपल सर्किट कि अगर प्योर सीरीज इंडक्टर लगाते हैं तो क्या होगा। सीरीज इंडक्टर फिल्टर श्रेणी प्रेरक के परी फिल्टर। देखिए ये सर्किट मैंने बनाया है, ये मेरा यहाँ तक का सर्किट अगर इसमें हटा दूं तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूर्ण तरंग डिस्कारी के अंदर हमने केवल एक काम किया है कि जो लोड है उसके पहले सीरीज में इंडक्टर लगा दिया। अब जब सीरीज में इंडक्टर लगाएंगे तो हमें इसका क्या एडवांटेज मिलेगा। अब देखिए जो हमारा आउटपुट मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का, वो कुछ इस तरह से, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इस तरह से, जब हम इस इंडक्टर से पास करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर इस जंक्शन पे जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो एसी और डीसी इक्विवेलेंट है। मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया भी है, एसी भी और डीसी भी है, क्योंकि हमारा एनालिसिस कह रहा है, फोरियर एनालिसिस ने बताया कि भाई यहाँ पे डीसी है जिसकी वोल्टेज 2 EM/2 pi है, और एसी इसमें मैं अगर हायर ऑर्डर को नेगेटिव कर दूं तो एसी आ रहा है 4 EM/3 pi cos 2 ωt। इसका मतलब यहां पर एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। तो इसको इक्विवेलेंट वे में मैं मान सकता हूं कि यह 2 EM/5 की एक डीसी की बैटरी है, साथ में एक एसी सोर्स है जिसका 4 EM/3 pi cos 2 ωt है, यहाँ एसी की फ्रीक्वेंसी 2 ω, ये इंडक्टर में से जा रही है और रेजिस्टेंस में से जा रही है। जब यहां से एसी कंपोनेंट जाएगा तो एसी कंपोनेंट में नेट रिएक्टेंस हो जाएगी √XL² + RL² जबकि डीसी के लिए केवल रेजिस्टेंस वर्क करेगा और वो कितना होगा R। मींस यहां पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट जो एसी और डीसी का मिक्सचर है जिसे हम पल्सेटिंग डीसी कह रहे हैं, उसके पास यहां से जब एसी जाएगी तो उस पर इन कंपेरिजन टू डीसी हायर रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो जबकि डीसी के लिए कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो डीसी है कंपेरेटिवली इजी पास होगी और एसी यहां पर ब्लॉक हो जाएगी। एसी का बहुत बड़ा कंपोनेंट यहां ब्लॉक होगा तो इसलिए यहां मुझे आउटपुट मिलेगा तो मैं यहां आउटपुट की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये 100% स्मूथ नहीं है लेकिन डेफिनेटली इसमें रिपल फैक्टर डिक्रीज हो चुका है, कहीं ना कहीं एसी कंपोनेंट कम हो चुका है और थ्योरेटिकली डीसी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया। तो थ्योरेटिकली डीसी चेंज नहीं और एसी रिड्यूस हुआ है तो इसका रिपल डेफिनेटली डिक्रीज होता है। तो मैं इसके रिपल को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोरियर एनालिसिस टेक्निक पे जाऊंगा। तो आप देखिए फोरियर एनालिसिस के हिसाब से यहां पर वोल्टेज की एक सीरीज है जिसके बेस पर मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है जिसमें एक डीसी बैटरी है, एक एसी सोर्स है जो एसी पर इतनी इम्पेडेंस दे रहा है और डीसी पे सिंपली आरएल दे रहा है। तो अगर मैं यहां पर करंट की बात करूं तो मेरा जो करंट आएगा वो करंट हो जाएगा 2 EM/5, देखिए करंट होता है E/R, आरएल से
क्योंकि डीसी बेंगल हर इनकम करेगा, बट एसी पे बात करता हूँ, एसी पे मेरा ये हो जाएगा रूफ आरएल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और फोर होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैंने हायर टाइम्स को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो एक्सएल अपने आप में टू ओमेगा एल के इक्वल होगा। तो इस तरह से मेरे पास आई यहाँ पर ये आएगा, इससे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा आईटीसी आएगा वो हो जाएगा टू ई एम अपॉन पाई आर एल, और जबकि एसी कंपोनेंट हो जाएगा फोर ई एम अपॉन फिफ्टीन पाई रूट आर एल स्क्वायर प्लस एक्सएल। मैं इसका मान रखता हूँ तो मैं रिपल फैक्टर का मान याद कर सकता हूँ। रिपल फैक्टर हमने डिफाइन किया था, बेसिकली रिपल फैक्टर की डेफिनेशन थी आई डैश ए सी अपॉन आई डी सी। तो ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आई डैश आर एम एस मेरा हो जाएगा वन अपॉन रूट टू फोर ई ए अपॉन फिफ्टीन पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट आ रहा है टू ई एम अपॉन पाई आर। अब देखिए इसको रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास रिपल फैक्टर आ जाएगा, देखिए ई एम और ई एम कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच जाएगा रूट टू आर एल अपॉन आर एल प्लस एक्सएल की पावर। देखिए मैंने एक यहाँ कनेक्शन किया है, यहाँ गलती से 15 लिख दिया था रूट टू, ये बच गया रूट टू आर एल अपॉन थ्री आर एल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर की पावर हाफ। अगर मैं आर एल से डिविजन कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा रूट थ्री अपॉन टू वन प्लस एक्सएल अपॉन आर एल की पावर हाफ। नाउ अब मैं एक्सएल का मान यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास एक्सएल का मान रखते ही रिपल फैक्टर याद करना आसान हो जाएगा, रिपल फैक्टर हो जाएगा रूट थ्री बाय वन प्लस एक्सएल, एक्सएल का मान है टू ओमेगा एल, टू ओमेगा एल का मतलब हो गया फोर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एल स्क्वायर की पावर। तो बेसिकली ये रिपल फैक्टर आता है एक सिंपल इंडक्टर फिल्टर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर का। अब अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ, कंडीशन लेता हूँ कि मान लीजिए ओमेगा एल मच मच लेस देन आर एल है तो क्या होगा, अगर ओमेगा एल मच मच लेस देन आर एल होगा तो आर बन जाएगा मेरा रूट थ्री अपॉन टू, क्योंकि ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 0.48 आएगा, मीन्स इस कंडीशन में ये यूजलेस हो गया, यानी ये फिल्टर किसी काम का नहीं है। अगर मेरे पास ओमेगा एल का मान बहुत means omega l is much much less than rl है तो ये useless है। अगर मैं second condition में बात करता हूँ जब omega l का mass much much greater than rl हो जाए तो क्या होगा, उस condition के अंदर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि one को neglect कर देंगे तो ripple factor बन जाएगा root 3 by और यहाँ पर बन जाएगा 2 omega l upon rl अर्थात root 2 टू ओमेगा एल आर एल और रिपल फैक्टर बन जाएगा वन अपॉन थ्री रूट टू आर अपॉन ओमेगा एल। यानी जब ओमेगा एल का मान आर एल से बहुत ज्यादा है तो ये रिपल फैक्टर आएगा, हम मान रख के इसको ज्ञात कर सकते हैं, ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी रिपल फैक्टर उतना कम होता जाएगा। जस्ट अज्यूम कर लें कि दोनों इक्वल भी है तो आप निकाल के देख सकते हैं एक मान काफी कम है, लगभग 0.25 से भी कम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ओमेगा एल जाता है, मींस ओमेगा एल इज मच मच ग्रेटर देन आर एल, या यूं कह सकते हैं आर एल का मान कम है जिसे हम नॉर्मली हैवी लोड कहते हैं, जब हैवी लोड है यानी आर एल का मान कम है उस कंडीशन में इस इंडक्टर को काम में ले सकते हैं, लेकिन जहां लाइट लोड है अर्थात आर एल का मान ज्यादा है वहां पर अगर इसका यूज करते हैं तो ये ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है।
तो ये मैंने आपको एनालिसिस से बताया है, मैं सारे ज्यादातर एनालिसिस फूरियर एनालिसिस के बेस में करना चाह रहा हूँ, ये कंपैरेटिवली सिंपल टेक्निक है। तो देखिए सीरीज इंडक्टर की बात करते हैं, तो मैं आप ब्रीफ में बता दूं कि सीरीज इंडक्टर के अंदर क्योंकि ये इंडक्टर सीरीज में है तो ये एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को जाने देता है, इसके कारण एसी कंपोनेंट डिक्रीज हो गया, डीसी ऑलमोस्ट सेम रहा, तो इससे रिपल फैक्टर की ये वैल्यू आती है। यहाँ पर अगर हम दो कंडीशंस की बात करें, फर्स्ट कंडीशन जब ओमेगा मच मच लेस देन आर वन है, तो उस कंडीशन में अंदर ये जस्ट एक फुल वेव रेक्टिफायर जैसा रिपल है, यानी ये यूजलेस है। यानी अगर ओमेगा एल का मान आरएल से बहुत कम है, या यूं कहते हैं कि आरएल का मान ज्यादा है, या यूं कहते हैं जिसे लाइट लोड कहते हैं, तो सीरीज इंडक्टर उस कंडीशन में यूजलेस है। लेकिन जब हैवी लोड कंडीशन होती है, जब आरएल का मान बहुत कम होता है, ओमेगा एल बहुत ज्यादा हो जाए हो, तो उस कंडीशन में ये एक अच्छा फिल्टर साबित हो सकता है, इससे हम 0.2 या और लेस की रिपल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे फिल्टर सर्किट का पहला पार्ट आज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर में शंट कैपेसिटर फिल्टर को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।